डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 20th June 2020 सैटरडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द एसे माई हाउस फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन एज वेल एज वी विल डू ग्रामर MCQs फ्रॉम समर वेकेशन होमवर्क। माई लेक्चर इज़ फॉर 10th बॉयज़ एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed unit number 3 and translation passages in this week. Today we will read the essay My House from grammar and composition. So first of all, open your grammar and composition. Essay writing ka question, jaisa ki aapko students pata hai ki aapke annual paper mein subjective part mein section 2 mein aata hai और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। आपके साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किसी एक लेक्चर में आप को जो है वो मैंने इमेज भी दिखाया था। आपका जो पास्ट पेपर था, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स जो है वो आप भी नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। मेजर क्वेश्चन है आपके बेटा एनुअल पेपर में ये, तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि इसकी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है। जो आपको मैं ग्रामर एंड कंपोजिशन से पढ़ाती हूँ उसको पढ़ने के साथ साथ बेटा आपने जो है वो कोई और हेल्पिंग बुक है अगर आपके पास मौजूद, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप नेट से सर्च करके उसका मटेरियल जो है वो इसमें एडिशन कर सकते हैं, कोटेशंस वगैरह ऐड करें ताकि जो आपका चेकर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट हो। आपके साथ जो है वो मैं हर ऐसे में ग्रामर एंड कंपोजिशन के इमेजेस के साथ साथ एक जो है वो नेट से सर्च करके इमेज भी शेयर करती हूँ जिसमें कुछ कोटेशंस होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल भी होता है। आप उसमें देखा करें अगर उसमें से कोई ऐसी लाइन्स हैं जो कि आपके ऑलरेडी जो आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रामर कंपोजिशन से उसमें मौजूद नहीं हैं तो आप वो लाइंस उठा के सिर्फ इसमें ऐड करें। रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि जैसे अब आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन से ऐसे प्रिपेयर किया है तो कहीं और हेल्पिंग बुक से लाइंस उठा के इसमें ऐड की, लेकिन जो है वो ऐड करते हुए ये ध्यान नहीं किया कि वो लाइंस ऑलरेडी उसी सेंस में जो है वो मौजूद थी। ठीक है, तो रेपिटेशन को अवॉइड करना है क्योंकि रेपिटेशन से भी आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। चेकर पे कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, उसको लगता है कि शायद मटेरियल की कमी थी इस वजह से जो है वो इसमें रेपिटेशन आ रही है। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन की डिमांड है वो जो है वो जो लिमिटेड वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसे राइटिंग वाली, ठीक है, तो उन डिमांड्स पे वो जो आपकी लिमिट है उस पर तो ग्रामर एंड कंपोजिशन वाला ऐसे भी पूरा उतर रहा होता है। बस उसमें हमने कोटेशंस अगर ऐड कर लें तो वो भी एक इनफ मटेरियल है और स्टैंडर्ड मटेरियल भी है तकरीबन। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास मैंने आपसे कहा था कि लर्नर्स है या हमदर्द है, इन दोनों बुक्स को सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है, इसके अलावा और मैंने किसी भी बुक को जो है वो रीड आउट नहीं किया क्योंकि प्रीवियस जितने भी सेक्शंस थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वैसे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते, आपको पता है, हेल्पिंग बुक कोई भी, ठीक है, तो आप सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी हेल्प के तौर पे जो है वो ले लेते हैं। उसमें कुछ बच्चों के पास जो है वो प्रीवियस सेक्शंस में प्रीवियस ईयर्स में लर्नर्स रही है और हमदर्द, तो बच्चे वहाँ से मुझे पढ़ा दिया करते थे, दिखा दिया करते थे कि अगर वो वहाँ से मटेरियल प्रिपेयर करें तो उसमें से जो लर्नर्स वाली बुक है उसमें इनफ मटेरियल और अच्छा मटेरियल होता था। दो तरह के उसमें ऐसे होते थे, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप में से किसी के पास वो बुक मौजूद है, ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर जो है वो अवेलेबल हो सकती है तो आप कोशिश करें कि वो बुक जो है वो अगर किसी बड़े बहन भाई की या कज़न की किसी की मिल जाए तो आप उसमें से कोटेशंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी नज़र से वो बुक्स गुजरी हुई हैं। बाकी नेट से जो आप मटेरियल कोई इतना ऑथेंटिक नहीं होता साइट्स पे, उसमें जो कोटेशंस अगर आप वहाँ से उठाते हैं तो कम से कम वो ग्रामेटिकली या स्पेलिंग जो है वो उनके ठीक होने चाहिए। अगर आपको कोई किसी किस्म की उनमें कन्फ्यूजन लग रही है तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं जब ऐसे की असाइनमेंट तैयार करते हैं तो मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं मेरे साथ, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, आप वर्किंग करेंगे जितनी ज़्यादा अभी उतना ही जो है वो बेहतर है क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मैंने इसी वजह से आपका जो है वो सैटरडे को रखा है ताकि आप जो है वो
एक तो मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल को सर्च कर लें, और दूसरा जो है वो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर फॉर्म में कर लें। इसको आपने बेटा अपनी नोटबुक में लिखना है अगर आप इसमें एडिशन कर रहे हैं। अगर आप एडिशन नहीं कर रहे, इसको एज सच तैयार कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑलरेडी बुक्स पर मौजूद है, और बुक तो 9th वाली ही जो है वो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की है। अगर एडिशन जो है वो आपने कोई सेंटेंसेस की, कोई कोटेशंस वगैरह की नहीं की, तो फिर आप जो है वह एज सच बुक से तैयार कर लें, उसको ना लिखें, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी और हेल्पिंग बुक से लाइंस ऐड कर रहे हैं, तो बुक के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस करने की बजाय बेहतर है कि आप अलग-अलग किसी नोटबुक पे लिख लें। लिखा हुआ अपने हाथ से आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। टॉपिक है आज हमारा माय हाउस। ये जितना इजी ऐसे लगता है हमें, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है, ठीक है। जो आपका जो 3 से 4 साल पहले वाला बैच था, उसमें तो ये फर्स्ट टाइम में भी आया, और सेकंड टाइम में भी यही वाला ऐसे आया था। यानी एक ही जो है वो सेशन में डबल टाइम जो है वो ये रिपीट हुआ था ये ऐसे। तो और ये इजी टॉपिक है बिल्कुल, इस पर आप खुद से भी जो है वो लिख सकते हैं। आप अपने घर के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, ज़रूरी नहीं है जो लिखा हुआ है उसी को आपने लिखना है, बल्कि आप इसको जो है वो और तरीके से तरतीब दे सकते हैं, जिस तरह से आपके घर की कंस्ट्रक्शन है, या जो भी आपके जो है वो घर के बारे में आप लिखना चाहें, ठीक है। इसको मैं पढ़ा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको जो है वो इसकी समझ आ जाए। माई हाउस जो है वो आपकी ग्रामर कंपोजिशन पर मौजूद है। A house, you know, is an important necessity. A house, एक घर, you know, आप जानते हैं, is an important necessity, एक बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। The quality of life improves, ज़िंदगी का मेयार जो है वो बेहतर हो जाता है when you have a house of your own, जब आप अपना घर, खुद अपना एक घर आपका होता है। यानी कि इससे मुराद ये है कि जब आपकी खुद की मलकियत होती है, लाइक किराए पे जो है वो आप नहीं रहते, अपना घर होता है, तो ज़िंदगी का मेयार जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न सम ऑफ योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, ये आपको एक मौका देता है, ये बात आपको एक मौका देती है टू टर्न सम ऑफ योर ड्रीम्स, के आप अपनी अपने जो कुछ ख्वाब हैं उनको आप सच करें, इनटू रियलिटी, हकीकत में बदल दें। यू डेकोरेट योर रूम्स अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, आप सजाते हैं योर रूम्स, अपने कमरों को, अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, अपने खुद अपने ज़ौक के मुताबिक, ठीक है। यानी जब हम अपना घर रखते हैं, खुद हमारा अपना घर होता है, तो बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो कि हमने सोचे होते हैं, लाइक हमने कमरे को इस तरह से डेकोरेट करना है, यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, यहाँ पे इस तरह के प्लांट्स रखने हैं वगैरह, तो ये सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी का तभी कर सकते हैं जब हमारा अपना एक घर हो। यू लुक आफ्टर योर प्लांट्स, आप अपने घर, अपने जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनका ख्याल रखते हैं, एंड फ्लावर्स, और फूलों का, विद अ लविंग केयर, बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत और चाहत के साथ। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, जैसा कि आप हमने बात की थी कि हर एक ऐसे जो आप लिखेंगे उसकी एक प्रॉपर बिगनिंग होगी, ठीक है, उसका एक प्रॉपर मिडल होगा, एंडिंग होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में एक पैराग्राफ हाउस किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बातें जो है वो इस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने घर की, खुद अपने घर की डिस्क्रिप्शन की तरफ जो है वो आता है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस नॉट फार फ्रॉम माई स्कूल, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ, नॉट फार फ्रॉम माई स्कूल, जो कि मेरे स्कूल से दूर नहीं है। द हाउस इज़ ऑलमोस्ट न्यू, मेरा घर जो है वो तकरीबन नया है। इट इज़ अ लिटिल वे बैक फ्रॉम द रोड, ये सड़क से कुछ पीछे है, थोड़ा सा पीछे है। एंड इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन, और इसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा जो है वो बाग भी है। अ पाथ लीड्स फ्रॉम द गेट टू द पोर्च, अब पहले उसने, आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में लाई हैं, कि सबसे पहले हाउस की जो लोकेशन बताई है, फिर उसका जो आउटसाइड एरिया है उसके बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद उसने जो है वो घर के अंदर के बारे में बात की है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से, अगर आप खुद अपने घर के बारे में लिख रहे हैं, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन का तरतीब में ख्याल रखना है। अ कॉर्नर ऑफ द पोर्च इज, पाथ लीड्स फ्रॉम द गेट टू द पोर्च, एक रास्ता जो है वो गेट से पोर्च की तरफ, राहदारी की तरफ जो है वो जाता है। अ कॉर्नर ऑफ द पोर्च इज एवरग्रीन विद अ लवली क्रीपर दैट रिमेन्स इन ब्रिलियंट ब्लूम राउंड द
ईयर, जो पोर्च है यानी राहदारी है उसका जो कोना है वो हमेशा पूर्व बहार रहता है, यानी उस पर बहार आई रहती है। विद अ लवली क्रीपर दैट रिमेन्स इन ब्रिलियंट ब्लूम राउंड द ईयर पूरा साल, यानी उसके साथ साथ कोई छोटी क्यारी है। डाउनस्टेयर्स देयर इज अ लाउंज विच इज अ जनरल लिविंग रूम विद टेलीविजन। डाउनस्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे एक लाउंज है, यानी एक लाउंज होता है जो एक हॉल की फॉर्म में एक खुला कमरा हो, सिटिंग प्लेस को कहते हैं वैसे, विच इज़ अ जनरल लिविंग रूम विद टेलीविजन, जो कि टेलीविजन के साथ एक अमूमन आम तौर पर बना हुआ एक रिहायशी कमरा है, यानी सिटिंग प्लेस है जहाँ पे टेलीविजन है और सभी बैठ के वहाँ पे टीवी देखते हैं। दिस रूम इज़ यूज्ड एज अ रिसेप्शन रूम फॉर गेस्ट, ये कमरा जो है वो मेहमानों के लिए रिसेप्शन रूम यानी इस्तकबालिया कमरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी जैसे ही गेस्ट या कोई मेहमान या बाहर से कोई भी आता है तो उसको जो है वो पहले उस रूम में बिठाया जाता है, इस्तकबालिया रूम के में, जिसे रिसेप्शन रूम कहा गया है। लाउंज की बात की जा रही है, मोस्टली घरों में यही रूटीन होती है कि एक लाउंज जो कि घर के बिल्कुल शुरू में गैराज जो आपका होता है उसके साथ जो है वो बना हुआ हो लाउंज, वहाँ पे जो है वो सिटिंग प्लेस गेस्ट के लिए होती है। देर इज़ अ डाइनिंग रूम एंड अ किचन, एक डाइनिंग रूम है और एक किचन है। द ड्राइंग रूम विद द लार्ज विंडो फेसेस द फ्रंट लॉन, जो ड्राइंग रूम यानी जिसे उर्दू में बैठक कहते हैं, जो कि मेहमानों के लिए या जो है वो आपके जो भाई वगैरह हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह की गैदरिंग के लिए जो है वो एरिया यूज़ किया जाता है, ड्राइंग रूम मेहमानों के बैठने की जगह, वो बता रहा है कि विद अ लार्ज विंडो, उसकी एक बड़ी सी खिड़की है और वो फ्रंट लॉन यानी जो सामने का लॉन है उसके बिल्कुल सामने है। अपस्टेयर्स आर द बेडरूम्स, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो बेडरूम्स हैं, सोने के कमरे एंड द चिल्ड्रन रूम और बच्चों के कमरे। द रूम्स ऑफ माई हाउस आर नॉट लार्ज, वो कहता है कि मेरे घर के जो कमरे हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरतीब को जो है वो देखना है कि जैसे लिखा हुआ है सच, अगर आप अपने घर की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। द लार्जेस्ट रूम इज़ द लाउंज, जो सबसे बड़ा कमरा है वो क्या है, वो लाउंज जिसकी अभी हमने डिस्कशन की है। इट हैज़ विंडोज़ ऑन बोथ साइड्स फॉर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, इसकी जो है वो दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं जहाँ से प्रॉपर लाइट आती है और वेंटिलेशन यानी हवा का गुजर होता है। माय फादर एंड आई लव टू वर्क इन द गार्डन, मैं और मेरे फादर जो है वो गार्डन बाग की जो है वो में काम करना बहुत पसंद करते हैं। वी प्रोन द बुशेज वंस अ ईयर एंड इन समर वी गॉट आर फ्रूट ट्रीज स्प्रेड एवरी मंथ। वी प्रोन द बुशेज, हम कांट छांट करते हैं झाड़ियों की साल में एक मरतबा, एंड इन समर और गर्मियों में वी गेट आर फ्रूट ट्रीज, हम अपने जो फलों वाले दरख्त हैं उन पे हर महीने स्प्रे करते हैं, ठीक है। माई मदर लव्स रोजेज, मेरी माँ को बहुत फूल पसंद हैं, वो फूल पसंद करती हैं। एंड स्प्रिंग फ्लावर्स, और बहार में जो फूल खिलते हैं, लुक्स आफ्टर द फ्लावर बेड्स हर सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो गाहे बगाहे जो है वो उन फूलों की क्यारियों को देखती रहती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। आई टेक केयर टू कीप द फ्रंट लॉन टाइडी इनफ बाई यूजिंग अ लॉन मूवर, आई टेक केयर, मैं ख्याल रखती हूँ टू कीप द फ्रंट लॉन, सामने का जो लॉन है घर के सामने, ठीक है, उसको लॉन मूवर होता है जो कि घास काटने के लिए लॉन में यूज़ होता है, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसको साफ सुथरा रखते हैं। वंस हाउस इज़ अ ब्लेसिंग इंडीड, अपना घर जो है वो बेशक एक नेमत है। इसके साथ साथ बेटा ये ग्रामर एंड कंपोजिशन है से हमने पढ़ा है, ऐसे आपको जो है वो मैंने एक इमेज आपके साथ स्लाइड की फॉर्म में शेयर किया है, जैसे कि हर एक ऐसे के साथ अटैच करती हूँ। इसमें माय हाउस के कुछ कोटेशंस भी हैं, आप इसकी जो शुरू वाली लाइंस हैं वो भी आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, कि अगर आपने जैसे ये लाइन है कि हैविंग वंस हाउस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, वन फील सेफ कम्फर्टेबल एंड सिक्योर एट हिज होम, अ हाउस यू नो इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी, ये लाइन आपने पीछे ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले ऐसे में पढ़ी है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुरू वाली लाइन आप दोनों ऐड कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी ज़रूरत नहीं है।
इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न सम ऑफ योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये भी नहीं ज़रूरत, ठीक है, आपने इसको पूरे को पूरी स्लाइड को ध्यान से गौर से पढ़ लेना है और देख लेना है कि इसमें अगर कोई लाइन ऐसी है जो कि वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो आप जो है वो ऐड ज़रूर करें. लाइक एंड पे आप अगर देखें इस स्लाइड के एंड पैराग्राफ पे इस इमेज के, तो आपको जो है वो कुछ लाइंस ऐसी हैं जो नज़र आ रही हैं. लाइक माई हाउस इज़ नॉट अ वेरी बिग और अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, बट इट इज़ नॉट लाइक अदर हाउसेज आई हैव सीन. It is different. It has a strange charm for me. I have become so used to living in it that now I do not feel comfortable anywhere else. ये paragraph ऐसे उठा के आप end पे add कर सकते हैं जहाँ पे one's house is a blessing indeed. यहाँ तक लिखा है ना आपके पास grammar composition में, तो उसके बाद आप ये वाला paragraph जो है वो add करेंगे. ज़रूर कर लें ताकि आपकी लेंथ जो है वो अच्छी ऐसे की हो जाए. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एसोसिएशन विद इट फॉर आई हैव स्पेंड माई चाइल्डहुड एंड बॉयहुड इन इट. ठीक है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू कॉट दैट. ये कोटेशन ऐड करें, एक शुरू में कोटेशन है, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट. ठीक है, ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं. ठीक हो गया. बाकी अगर ऐसे के हवाले से कोई भी जो है वो गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें. ग्रामर MCQs हमने करने हैं, आपके समर पैक में मौजूद हैं. समर पैक आई होप जो है वो अब तो सभी स्टूडेंट्स ने ले लिया होगा. आपका जो एकेडेमिक जर्नल है उसको वहाँ से आपने जो है वो ये MCQs प्रीवियस हमने सैटरडे भी किए थे 140 तक, वहीं से ऑनवर्ड जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे 141 से. फर्स्ट हमारा जो है वो MCQ है, देखिए, द वर्ड मिल्क इज़ आ, मिल्क लफ्ज़ जो है वो क्या है, कौन सी टाइप ऑफ नाउन है, बोल्ड भी किया हुआ है लफ्ज़ मटीरियल, ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, प्रॉपर भी है. आपको इसमें से पता है कि मटेरियल जो है वो मटेरियल नाउन मिल्क के लिए यूज़ होगा. द स्नेक इज़ क्रीपिंग क्विकली, क्विकली जैसा कि आपको लग रहा है जो है वो ये वर्ब की वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, तेज़ी से इसका मतलब होता है उर्दू में, तो ऑप्शन में एडवर्ब इसके लिए ठीक है. अली वाज इम्प्रेस्ड डैश रिहानाज ग्रेड, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय, नाइन्थ में भी ये आपके पास MCQ मौजूद था. फिर है आर प्रैक्टिस यूजली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, यूजली आम तौर पर, ठीक है, तो ये कौन सी उन्हें कहा एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जब हमने ये बताना हो कि कितनी मरतबा ये काम हुआ, ठीक है, लाइक ऑलवेज जो है वो डेली ईयरली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ जाते हैं. तो यूजली आमतौर पर ये लफ्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, सी ऑप्शन. उसके बाद 145 पे देखें, बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म डैश सो वी मिस द फर्स्ट टाइम मिनट्स. ये आपका पास्ट परफेक्ट है जिसमें एक आपकी हेड वाली फॉर्म आती है और एक आपकी सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है, डबल सेंटेंस आपने किए हुए हैं पास्ट परफेक्ट में. फिर है आई वॉज ग्रीव्ड डैश इज़ लॉस, प्रेपोजिशन है, आपने ग्रामर कंपोजिशन से तैयार करनी थी, ये आपसे मैंने कहा था. एट आपका डी ऑप्शन ठीक है. वाई आर यू सो सैड, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग, ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका. इफ़ यू फेल वी शुड ट्राई टिल सक्सेस, ये आपके जो है वो कंडीशनल टाइप वन है. वी मस्ट हैव पिटी डैश द पुअर फॉर द पुअर, ही बेग्ड डैश मर्सी, ही बेग्ड फॉर मर्सी, द पर्पस ऑफ द लेटर इज़ इंक्लूडेड इन द बॉडी. लेटर का जो मकसद है लिखने का, ख़त लिखने का मकसद, वो किस में शामिल होता है, सैल्यूटेशन में, बॉडी में, राइटर नेम में या सिग्नेचर में, तो बॉडी में शामिल होता है वो. ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट ऑफ, डज शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट इज़, ये कौन सा जो है वो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, तो ये जो है वो गलत लिखा गया है, आपने इसको इंट्रोगेटिव कर लेना है, सी ऑप्शन, ध्यान से याद से कर लेना है. ही डज़ नॉट केयर डैश मी, ही डज़ नॉट केयर फॉर मी, ये आपके ऑप्शंस थे जो आपने तैयार करने हैं MCQs के हवाले से. डायरी आपने अपनी नोट डाउन कर लेनी है, ऐसे आज हमने किया जिसको आपने लिख लेना है, अगर उसमें एडिशन की है तो ठीक है, अदरवाइज ग्रामर कंपोजिशन से तैयार कर सकते हैं. और इसके साथ साथ ग्रामर MCQs हमने किए हैं आपके समर पैक से, ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. अगर किसी बात की आपको समझ में नहीं आई तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, और ऐसे को कोशिश करें कि आप ज़रूर जो है वो रिटन फॉर्म में लाएँ, ठीक है. ऐसे को रिटन फॉर्म में लाना और उसमें कोटेशंस ऐड करना बेहद ज़रूरी हैं.
ताकि आप जो है वो नेक्स्ट प्रिपेयर हो सकें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुआओं में ज़रूर याद रखें.